उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जाति के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे, उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा कि इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं, आजाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। यस, उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे।